दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दें, कोरोना संकट के बीच देश को एक और संकट ने घेर लिया है। कोरोना गया नहीं, नया स्ट्रेन आ गया और अब देश के 8 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। देश के 8 राज्य में बर्ड फ्लू लगातार फैलता जा रहा है। अब कौन कौन से 8 राज्य है ये भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश है, केरल है, राजस्थान है और हरियाणा है जहां बर्ड फ्लू ज्यादा फैल चुका है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात भी शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये सभी राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू लगातार फैलता जा रहा है। केरल में आज 40,000 पक्षियों को मारा जाएगा। तो भारत में अभी कोरोना का नया स्ट्रेन आया है और उसके बाद देखिए बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है और ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केरल में 40,000 पक्षियों को आज मारा जाना है और वजह वही है, बर्ड फ्लू। लगातार ये बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है और ये इंसानों में ना आ जाए इस डर से अब पक्षियों को मारा जा रहा है। हालांकि कई तस्वीरें जो राजस्थान में देखने को मिली थी, गुजरात में देखने को मिली थी, कौओं में खास तौर से इसका असर देखने को मिला है और वो दम तोड़ते हुए नजर आए और यही वजह है कि अब डर फैलता जा रहा है। लेकिन डर ना फैले बल्कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, ये कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। हिंदुस्तान भी यही कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मलिका अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका स्वागत है जी हिंदुस्तान पर। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं स्वाति जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी, ये बर्ड फ्लू के बारे में आप बताइए। देखिए लगातार इसका जो डर है ये फैलता जा रहा है और आज भी बताया जा रहा है कि कई हजार पक्षियों को मारा जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस संकट को? देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि चिड़ियों में या पक्षियों में फैलते हैं और वो मनुष्यों में भी आ सकते हैं। पहले भी हमने देखा है कि चाहे वो H5N1 हो या H7N9 हो, ये दोनों ही ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस हैं जो कि मनुष्यों में आए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर हम देखें तो बहुत कम इन्फेक्शन मनुष्यों तक पहुंचा है। केवल 240 लोग ऐसे हैं जो कि संक्रमित हुए, लेकिन चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये 60% तक घातक होता है, यानी कि जिन लोगों को संक्रमण हो रहा है उनकी जान बचाने के लिए काफी जद्दोजहद हो जाती है और बहुत लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। और वहीं ये वायरस की खास बात लोगों के साथ ही देखी गई कि अभी ये एक व्यक्ति से दूसरे में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन वायरस के बारे में अब हमारी इतनी अच्छी जानकारी आम जनता की भी हो गई है कि वायरस अपनी संरचना को जल्दी जल्दी बदलता है। ऐसे में अगर इस वायरस ने अपनी संरचना को बदला तो ये एक मनुष्य से दूसरे में भी तेजी से फैल सकता है। इसलिए सरकार को भी तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। और वही वो स्वाति जी अब सरकार उठा रही है, लेकिन एक सवाल उठता है, देखिए अभी हम कोरोना से नहीं उबर पाए हैं, कोरोना से जंग जारी है, उसके बीच में जब ये आता है दोनों के सिम्टम्स काफी सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो कोई कैसे समझे कि जो परेशानी है ये बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई है या कोरोना की वजह से वो परेशानी झेल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल मिलते जुलते ही सिम्टम्स हैं दोनों ही बीमारी के, लेकिन अभी बर्ड फ्लू फैलने की संभावनाएं उन लोगों में है जो लोग इसके पालन पोषण में काम करते हैं, जो कि या पोल्ट्री में काम करते हैं या उनकी डेड बॉडी से डीलिंग करते हैं या आप ऐसे मार्केट में काम करते हैं जहां इनका मीट बेचा जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके संपर्क की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, ऐसी स्थिति में अगर किसी को जो है सर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, उल्टी होती है, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होती है या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जानना चाहिए कि कहीं आपको बर्ड फ्लू तो नहीं हुआ है। तो ये इन स्थितियों में आपको चिंताजनक बात है। वहीं लोगों को जो भी इन लोगों के साथ, पक्षियों के साथ काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनकी डीलिंग इनके साथ है, उनको भी इस वक्त मास्क लगा करके रखने की बहुत जरूरत है, ग्लव्स पहन करके रखें और कोशिश करें कि आप कोई भी ऐसे द्रव्य या तथ्यों को नहीं छुएं जो कि इन चिड़ियों से रिलेटेड है या अगर आपको लग रहा है कि चिड़िया बीमार हैं तो ऐसे में तुरंत आपको सरकार को सतर्क करना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए और अपने हाथों को भी नियमित साबुन और पानी से धोते रहें। और खास तौर से लोग इस वक्त कच्चा मीट और कच्चे अंडे ना खाएं क्योंकि उनसे संक्रमण तेजी से फैल सकता है, तो हमें बिल्कुल पका हुआ खाना ही खाने की कोशिश करनी है। एक चीज जो तमाम पक्षी प्रेमी हैं, मलिका भी उनमें से हैं, मैं भी उनमें से हूँ, आप भी होंगे और कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो समझना चाहेंगे कि क्या एकमात्र विकल्प है 40,000 पक्षियों को मार देना या इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है?
देखिए ये दुखद बात बहुत है और बहुत दुख होता है ऐसा देख करके, लेकिन फिलहाल इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये आप पक्षियों में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और आप देख ही रहे हैं कि हजारों की संख्या में पक्षी जो है एकदम से संक्रमित हो जाते हैं। और अगर हम इतिहास को पीछे पलट के देखें तो लाखों लाखों पक्षियों को इकट्ठे संक्रमण हुआ है और तेजी से फैला। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि ये मनुष्य में आ चुका है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य पहले संक्रमित नहीं हुए हैं, चाहे कम हो रहे हैं लेकिन हुए हैं, इसलिए इस स्थिति में यह डर बहुत बड़ा है। और जिस तरह से भी आप देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से पूरे विश्व को हिला दिया, इसी तरह से इस वायरस की भी क्षमता है कि वो विश्व को हिला सके, इसलिए हम लोगों के लिए सचेत रहना जरूरी है और ऐसे कड़े कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं, वरना कहीं ना कहीं एक दूसरी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी जो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में पालतू आपकी चिड़िया है, अगर दो तीन या चार पांच चिड़ियां आपने घर में पाली हैं, तो आप निश्चिंत रहिए वहां से कोरोना ये बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। 2003 से के बाद से आज तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहां यहां से बर्ड फ्लू फैला हो, क्योंकि ये जो वायरस है ये जो जंगली चिड़ियां होती हैं उनमें रहता है, उनमें कोई खास जो है लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उनमें से ये डोमेस्टिक चिड़ियों में आता है जहां इनका लालन पोषण हो रहा है, जहां हम पोल्ट्री के लिए इनको जो है बड़ा कर रहे हैं, वहां पर जब ये आ जाता है तो उनमें ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है और चिड़ियों की अपने आप मौत। अगर अगर स्वाति जी, अगर सिर्फ इस वायरस की बात की जाए, क्योंकि हमने कोरोना में देखा कि अब उसका नया स्ट्रेन भी आ गया है और लगातार इस वायरस ने अब इससे अपना नेचर बहुत अलग अलग तरीके से बदला है, अगर इस फ्लू की बात की जाए तो ये आपको कितना कंटेजियस लगता है और आपको क्या लगता है ये कितना घातक हो सकता है? देखिए फिलहाल के लिए अभी बहुत कंटेजियस नहीं है अगर कहा जाए, लेकिन कुछ मामले H5N1 वायरस के भी सामने आ रहे हैं भारत से भी, और ये वायरस पहले से हम जानते हैं कि मनुष्यों में फैल सकता है। लेकिन वायरस अगर अपनी संरचना को बदलता है या कहीं भी अगर ऐसा मौका होता है वायरस को कि वो, क्योंकि कई बार ये वायरस सुअर में भी चले जाते हैं, दूसरे जानवरों में भी चले जाते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में अगर इसको जल्दी जल्दी शरीर मिलने शुरू हुए तो ये वायरस संरचना अपनी बदल सकता है और तब ये बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने उभर सकता है। लेकिन अगर समय से कदम उठा लिए जाए और हम इसको अगर रोक सके, क्योंकि देखिए वही दुखद बात है कि हमें इनको मार करके ही रोकना पड़ेगा, अगर हम उसको कर सके तो जरूर हम इसे कंटेन कर लेंगे और ये उतनी बड़ी समस्या नहीं बनेगा जैसा कि हम इस वक्त अंदेशा लगा रहे हैं। उम्मीद तो यही है, लेकिन स्वाति जी हर कोई ये समझना चाहेगा कि अगर वो इसकी जद में आ चुका है, कोई शख्स इसकी जद में है, तो उसके पास इलाज के नाम पर क्या चीजें हैं? क्या उसे इंतजार करना पड़ेगा जैसे कोरोना वैक्सीन का करना पड़ा, या हमारे पास है अभी दवाइयां जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सके? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास दवाइयां हैं, हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं, हम जो है ओसल्टामिविर भी हमारे पास है जिसका हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, एक हफ्ते का इलाज होता है, तो लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। शुरुआती लक्षण में ही जितनी जल्दी आप अस्पताल जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ट्रीटमेंट करना आसान होता है, तो हमारे पास दवाइयां हैं, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, और इनको हम ठीक कर सकते हैं। और जो लंग में इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी हमारे पास दवाइयां हैं और आगे भी अच्छी जो है हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जिनको हम यूज करके इन लोगों को दुरुस्त कर सकते हैं। स्वाति जी, इसके लिए भी क्या आइसोलेशन और क्वारंटीन एक अच्छा प्रिकॉशन साबित होता है? देखिए जैसा मैंने कहा, अभी बहुत ज्यादा ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं जहां एक मनुष्य से दूसरे को बर्ड फ्लू हो, ये मामले बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। लेकिन जरूर अगर कोई भी इस तरह से अभी संक्रमित होता है तो अच्छा होगा अगर वो खुद को क्वारंटीन करें और दूसरे लोगों से दूर रखें कुछ समय के लिए, तो ये बाकी लोगों के लिए जरूर अच्छा होगा। जागरूक होना है, परेशान नहीं होना है, चिंता में नहीं आना है। लेकिन एक चीज बताइए, जो पुराना हमने देखा था बर्ड फ्लू का दौर, उससे क्या ये नया स्ट्रेन है या वही बर्ड फ्लू है? क्योंकि कहा जाता है कि ये फ्लू तो वही सर्दी है जैसे इंसानों को होती है, पक्षियों में होने वाली। देखिए जो ये वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ये कई तरह से इसके कई स्ट्रेन्स हैं, जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जिसको हम एच और एन की कैटेगरी से जो है हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जो उसके सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें से जो दो खतरनाक हैं वो है H5N1 और H7N9 जो कि मनुष्यों में आ चुके हैं। वहीं अगर भारत में अभी देखें तो कुछ मामले जरूर H5N1 के आए हैं जिनसे चिंता हो रही है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि H5N
2008 से आए हैं और ये वायला वायरस जो है अभी तक मनुष्यों में नहीं पाया गया है, इससे कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो बड़ी मिक्स सी रिपोर्ट है मैं कहूंगी। अगर वैसा वाला वायरस सामने ज्यादा आता है जो कि मनुष्यों में आ चुका है तो ज्यादा खतरे की बात होगी, लेकिन अगर इस तरह के स्ट्रेन सामने आते हैं जो मनुष्यों में नहीं आए हैं अभी तक, तो शायद इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। स्वाति जी, एक और अहम सवाल, जैसे कोरोना जब आया था तो लोगों को कहा गया कि आप अपनी इम्यूनिटी पर काम कीजिए, तो क्या आप इस तरह से कोई डाइटरी चेंजेस सजेस्ट करेंगी एज अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको लेने से शायद लोग अपने आप को बचा पाए? बिल्कुल, देखिए हमेशा जब भी हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम मौसमी फलों का और मौसमी सब्जियों का सेवन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं, तो उनका ज्यादा सेवन करिए। और अभी खट्टे फल भी खूब आ रहे हैं, उनको खाइए, वो आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं। और खासतौर से जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंडे और मीट कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएं, ये खासतौर से इस वक्त बर्ड फ्लू से बचने के लिए आपको इस खास हिदायत का ध्यान रखना जरूरी है। तो अच्छे से पका हुआ अंडा या पके हुए मीट का ही सेवन करें ताकि आप बर्ड फ्लू से सुरक्षित रहें। ये तो सुरक्षा आपको बरतनी होगी, लेकिन स्वाति जी ये एक रिपोर्ट मैं अभी पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि कौओं से ज्यादा खतरा है इस बर्ड फ्लू का, सबसे ज्यादा असर कौओं पर पड़ा है, इस पर कोई आपके पास अपडेट है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये कई सारी जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उन सभी पर इफेक्ट कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बत्तखों पर भी असर हो रहा है इसका, जो आमतौर से चिड़ियां आसपास होती हैं उनके ऊपर भी, और अभी जो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं उनके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इसका असर पड़ रहा है। अभी तक जो डेटा है वो ये कहता है, खासतौर से अगर हम बात करें तो कबूतरों से देखा गया है कि बहुत ज्यादा ये संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन बाकी जो प्रजातियां हैं चिड़ियों की वो कई बार इन्फेक्ट हो जाती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं तो अभी इनमें यह बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी चिड़िया से ज्यादा फैल सकता है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि तरह तरह की चिड़ियों में और कौओं में खास तौर से ये इन्फेक्शन भारत में भी अभी दिख रहा है और बहुत सारे पक्षियों की मौत भी हुई है स्वाभाविक तौर से इस इन्फेक्शन की वजह से। देखिए दिस इज वेरी सैड, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पक्षियों को मारने की बात अब कही जा रही है और पहले इतनी पक्षियों की जान जा चुकी है। जैसे कि आपने बताया कि ये हमारे पास एक मात्र विकल्प इस वक्त बचा है, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा करने से वाकई इस खतरे को टाला जा सकता है? देखिये हाँ, जब कोई भी देखिए संक्रमण को हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक वायरस है जो कि एक पक्षी से दूसरे पक्षी में जा रहा है और ये वहां से मनुष्यों के अंदर भी आ सकता है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप से कभी भी पनप नहीं सकता, उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए, चाहे वो जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो, तभी वो आगे फैलेगा। तो हमें जो उसके पोर्टल है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको रोकना जरूरी है और मजबूरी की बात है ये, और दुख की बात है कि हमें चिड़ियों को इस तरह से मारना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद जी हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जिससे वो खौफजदा कम होंगे बल्कि अवेयर होंगे। बहरहाल अब मलिका 2 मिनट में 20 अहम खबरों से रूबरू होते हैं।